नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, RSMSSB स्टेनोग्राफर एग्जाम डेट्स। जी हां दोस्तों, जिन एग्जाम डेट का जिन विद्यार्थियों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, RSSB का हाल ही एग्जाम दिया था उन्होंने फर्स्ट फेज का, अभी जो सेकेंड फेज का उसका एग्जाम होना बाकी है। दोस्तों, इस जो वीडियो को देखने से पहले हम इसकी जो संपूर्ण जानकारी है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, वो सबसे पहले जो है प्राप्त कर लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो भर्ती है, यानी 2018 में एक आई थी वैकेंसीज आई थी, जिसको 2020 में एक बार फिर जो रिन्यू करके दोबारा फॉर्म फिल किए गए थे, जिसका फर्स्ट फेज जो एग्ज़ाम था 2018 भर्ती स्टेनोग्राफर का, वो हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, और सेकेंड का जो एग्ज़ाम है फेज का, उसका काफ़ी लंबे समय से जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जो डेट आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो हिंदी आशुलिपिक और अंग्रेजी आशुलिपिक की अलग से जो है इन्होंने डेट दे रखी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 29/10/2021 से लेकर 31/10/2021 तक इनके जो है ऑनलाइन आयोजित डेट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 29/10/2021 से लेकर 31/10/2021 तक, यानी आपको जो है मिनिमम नॉर्मल जो 10-11 दिन यहाँ पे दिए जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। फ्रेंड्स, इसकी जो अधिक जानकारी है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर जो अपडेट वहाँ से ले सकते हैं, जैसा कि आपने हमने इस गोले के अंदर दर्शा दिया आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको जो किस प्रकार एग्ज़ाम देना होगा। जैसे इसकी जो वैकेंसीज आई थी, तब आपने देखा होगा कि आपको जो कंप्यूटर लाने का बोला गया था, कि आप जो अपने घर से जो है कंप्यूटर या आपका जो सिस्टम है टाइपराइटर वो ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो बोर्ड ने उसके लिए जो है आपको बिल्कुल पाबंद कर दिया यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जो साफ साफ दे रखा है बोर्ड ने, बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो घर से कंप्यूटर ले जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सेकेंड फेज की, तो उनको कमर कसने का जो है आज इन्होंने जो डेट दे दिया है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, 13/10/2021 से। तो दोस्तों, अब कमर कसने का जो है समय आ गया है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी थोड़ी नॉर्मली चल रही है तैयारी, तो वो तैयारी को जो है स्टार्ट कर दें रेगुलरली, और डिक्टेशन जो है रेगुलर लिखें, और न्यू न्यू जो आउटलाइंस होती हैं उनको एक बार बनाएं। फ्रेंड्स, एक बार आप देख सकते हैं, इनको जो आपको सेकेंड फेज के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक बार जो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड फेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपसे जो निर्धारित शुल्क भी बोर्ड द्वारा तय किया गया है। जैसे नंबर एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इन्होंने जो OBC है या क्रिमिलियर जो अन्य पिछड़ा वर्ग, कुछ विशेष जो जातियाँ हैं, उनके लिए इन्होंने ₹450 जो पर अभ्यर्थी द्वारा जो है चार्जेस यहाँ पे रखा गया है। वहीं जो अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो कमजोर वर्ग है या नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अंदर जो विद्यार्थी आते हैं, उनका जो चार्जेबल रहेगा वो ₹350, यानी ₹350 जो इनका चार्ज रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार अप्लाई करने से पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक जो है सुनहरा अच्छा मौका है इस बार जो है स्टेनोग्राफर बनने का, एंड खुद के एंड जो अपने घर वालों के सपने पूरे करने का। दोस्तों, आप अप्लाई कर देवें, एंड जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस भर्ती की जो संपूर्ण जानकारी उनको प्राप्त नहीं किया है, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। वैसे हमने इस संपूर्ण जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जो इसको आसानी से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, एंड आप इसकी जो है तैयारी करके अपना जो है एक बार जो आपका जो भविष्य है उसको सुधारने का आपको जो है मौका मिल सकता है। दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए, एंड ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब करें, और आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है हमारा हौसला, उम्मीद और ताकत होती है। दोस्तों, आपको अप्लाई करने से पहले आपकी जो SSO ID है उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। जिन विद्यार्थियों की जो खुद की पर्सनल SSO ID है, तो वो आसानी से इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के नहीं है, वो भी एक बार अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं मित्रा के माध्यम से, एंड इसको जो है आप जो फिल सेकेंड जो फेज है उसके लिए आप इसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।